नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि कुछ समय पहले अभी आपने ध्यान दिया होगा तो फ्लिपकार्ट की सेल चल रही थी, जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा कम रेंज में मोबाइल फ़ोन मिल जाया करते थे। हालांकि इस समय काफ़ी कम लोगों ने ही मोबाइल फ़ोन परचेज़ किए हैं उससे, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव वहाँ पर ऑफर्स चल रहे थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक फ़ोन वहाँ पर जो मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला लगा, चूँकि S9 फ़ोन अगर आपको याद हो, जो कि 2018 में आया था, तो उस समय उसकी कीमत थी लगभग 60,000 के आसपास। लेकिन दोस्तों वो S9 फोन दिवाली में जब सेल आई थी तो 30,000 रुपए में बिका था, और लगभग 28,000 मान सकते हैं, 2,000 रुपए डिस्काउंट भी था। लेकिन जब वो अभी सेल आई फ्लिपकार्ट पर, तब उसकी कीमत लगभग 18,500 रुपए हो जाती है, यानी कि कीमत लगभग एक तिहाई गिर जाती है अपने जो है नेट अमाउंट से। तो ये एक बात थोड़ी सी चौंकाने वाली लगी है, और बहुत ज्यादा क्राउड जो है सैमसंग गैलेक्सी S9 नहीं ले रहा है, आप ये कह सकते हैं, या फिर कंपनी अपना स्टॉक क्लियर करना चाह रही है, कुछ भी पॉइंट हो, बट फोन काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। दोस्तों मेरे हाथ में ये जो फ़ोन है, ये भी सैमसंग गैलेक्सी S9 है, जिसे कि मैं रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। तो आज मैं आपको इस कैमरे के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपका बजट 18,000 के आसपास है, तो क्या आपको इस आउटडेटेड मॉडल में हाथ डालना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो को बहुत एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक इसका छोटा सा कैमरा टेस्ट करते हैं। अगर आपका काम करने का मन हो टिकटॉक पर या फिर यूट्यूब पर, तो ऐसी सिचुएशन में इसका कैमरा कहाँ पर स्टैंड करता है। सबसे पहले हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर मैंने इसमें पबजी वगैरह भी खेला है, तो काफी ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस रहती है। परफॉर्मेंस के मामले में मैं ये कहूंगा कि एक परफॉर्मेंस मॉन्स्टर आप इसे कह सकते हैं। प्रोसेसर आपको बहुत बेहतरीन दे रखा है, जिसे आप एक तरीके से कह सकते हैं गेमिंग प्रोसेसर रहता है आपका, तो अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली है। दूसरा पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है कि आपको 18,000 से 20,000 की रेंज में यहां पर वाटरप्रूफ फोन मिल जाता है, यानी कि अगर आप इसे पानी में भी डाल देते हो तब भी आपके फोन में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ऐसा ना करिएगा कि जबरदस्ती आप पानी में घुसा के रखिएगा, हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन फिर भी अगर आपका बरसात वगैरह में ये फोन भीग जाता है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। क्योंकि मैंने खुद भी इसे जो है पानी में कई बार घुसड़ घुसड़ के चेक किया है, क्योंकि होता है ना आदमी के अंदर कि वाकई वाटरप्रूफ है या कंपनी ऐसे ही बना रही है। तो मैंने एक दो बार डाला है, तो मुझे उसके बाद जब मैंने इसे फोन को निकाला तो एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस मुझे मिली। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये आता है, हाँ एक पॉइंट मैं आपको और कहना चाहता हूँ, अगर इसे चार्जिंग पोर्ट में पानी चला जाता है तो लगभग एक घंटे के आसपास ये आपका पोर्ट काम नहीं करेगा, और जब आप इसमें प्लग इन करोगे तो वहाँ पर आपको एक शॉर्ट मैसेज देता है कि पोर्ट में पानी चला गया है, सूखने तक वेट करें। तो उस समय आप उसमें बिल्कुल मत लगाइएगा अगर आपको एक बार वो मैसेज दे देता है। और एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन, आप अगर गीला हो जाता है फोन, लगभग 1 से 2 घंटे बाद ही लगाइए इसको चार्जिंग पे, या फिर वायरलेस चार्जिंग हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पॉइंट आ गया दोस्तों वायरलेस चार्जिंग का, यानी कि यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। 18-20 हज़ार की रेंज में अगर आपको वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन मिलते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बेस्ट क्लास रहता है। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, सुपर एमोलेड स्क्रीन है, कर्व्ड स्क्रीन रहती है जो कि इसे खास बनाती है। तो यानी कि काफ़ी सारे आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाते हैं, जो आजकल अच्छी अच्छी ब्रांड्स में आपको पैसे देने के बाद नहीं मिलते। तो एस सीरीज़ का ये फ़ोन कहाँ पर स्टैंड करता है कैमरे के मामले में, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा कैमरा टेस्ट करते हैं। तो मैं कुछ फोटोज़ वगैरह को क्लिक करता हूँ और आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैमरा कहाँ पर इसका स्टैंड करेगा। तो उम्मीद है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नॉर्मल मोड पर फोटो को क्लिक करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो कैमरा ऑलरेडी यहाँ पर 16:9 पर सेट है, और यहाँ पर मैंने एकदम इसको हाईएस्ट सेटिंग पर करके रखा हुआ है, और जैसे ही यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप टैप करके इसको फोकस कर देते हैं तो ये बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है यहीं पर, तो नॉर्मल मोड पर ही आपको एकदम पोर्ट्रेट मोड वाली फीलिंग आने लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कलर्स की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है, कलर की शार्पनेस बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि ये सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर आपको जो कलर्स मिल जाते हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन लगते हैं देखने में। लेकिन अगर आप इसी फोटो को अपने कंप्यूटर पर ले जाएंगे, जहां पर आपको LCD या LED स्क्रीन मिलती है, तो वहां पर हल्का सा आपको ब्राइटनेस कम लगेगी, लेकिन सुपर एमोलेड में यह शिकायत आपको नहीं मिलती है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों यहां पर बहुत सारे मोड्स दे रखे हैं, अगर हम एक एक मोड्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं ओवरव्यू करके। यहां पर आपको प्रो, पैरानोमा, फूड, सिलेक्टिव फोकस, लाइव फोकस, नाइट मोड, वाइड एंगल सेल्फी, स्पोर्ट्स मोड, सुपर स्लो मोशन, स्लो मोशन और हाइपर लेस मोड देखने को मिल जाते हैं। यानी कि कैमरा के मामले में यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स दे रखे होते हैं, एकदम आपको एक तरीके से प्रो कैमरा दे रखा होता है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं एक बार इसकी सेल्फी के बारे में, कि सेल्फी की परफॉर्मेंस कहां पर रहेगी। तो मैं यहीं पर बैठ के सेल्फी को भी क्लिक कर लेता हूं, देखते हैं कि सेल्फी की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फी में आपको थोड़ा सा कलर्स आपको धूमिल होते हुए नज़र आएंगे, बट ओवरऑल क्वालिटी अगर हम देखेंगे, अगर आप इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम एकदम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ओवरऑल कलर भी सेल्फी का यहाँ पर बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये बात तो यहाँ पर मानने वाली हो जाती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम इसकी सेटिंग में जाकर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे मोड्स वगैरह दे रखे होंगे। हालाँकि अगर आप 16:9 पर इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो मेगापिक्सल मिलेगा वो 9.1 का मिलता है। वहीं दोस्तों आपको रेजोल्यूशन और भी दे रखे हैं। अगर आप 12 मेगापिक्सल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 4.3 रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी मर्जी होती है कि आप किस तरीके का यूज़ करते हैं। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपको दे रखे होते हैं। अभी हम लोग क्या है, एक वीडियो देखते हैं इसकी, इसके बाद देखेंगे कि वीडियो में इसकी परफॉर्मेंस कहाँ पर स्टैंड करती है। यहाँ पर आपको क्वाड HD मोड दे रखा होता है जो कि इसे बहुत ज़्यादा खास बनाता है। तो वीडियो को अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है देखने में। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगा कि ये वीडियो सैंपल देखने के बाद आप जो है, मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, ये वीडियोस मैंने इसी S9 से बनाई है, तो वहां पर आप उनकी क्वालिटी को जज कर सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है उनमें कोई भी किसी भी तरीके का कलर करेक्शन नहीं किया गया, यानी कि जो आपको क्वालिटी देखने को मिलने वाली है वो एकदम जबरदस्त देखने को मिलेगी, तो उनको आप देख लीजिएगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम सिनेमेटिक क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के लिए तो ये कैमरा बेस्ट हो जाता है इस प्राइस रेंज में। वहीं दोस्तों अगर आप इस पिक्चर सैंपल को देख पा रहे होंगे, अगर आप इसकी ब्राइटनेस को देख पा रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है। अब दोस्तों एक काम करते हैं कि इसके नाइट मोड को टेस्ट करते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे कि ये फ़ोन आपके लिए क्यों खास हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नाइट मोड को भी पूरी तरीके से चेक कर लिया है, और अगर आप सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल मोड पर इसकी फोटोज़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं देखने में, लेकिन अगर हम इसे नाइट मोड पर स्विच करते हैं और यहाँ पर अगर हम इसकी क्वालिटी को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डगमगा जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, चूँकि नाइट मोड मुझे पता है, चूँकि मैं इसे लगातार इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता था जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो एक नंबर रहती है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं अगर इसकी कीमत की, तो आज की तारीख में इसकी कीमत लगभग 18,000 से 20,000 रुपये तक होती है। अगर आप चाहें तो S9 प्लस को भी ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर कीमत आपको यकीनन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 22-23 हज़ार के आसपास हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिगनर लेवल पर काम शुरू करना चाहते हैं या फिर रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हैं, या फिर मैं ये भी आपको सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप एक बेहतरीन कैमरा फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो S9 भी आपके लिए एकदम बेहतर रहेगा। तो मेरी ये बेसिक सी सलाह है, चूँकि अगर हम नाइट मोड को किनारे कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट रहती हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कलर करेक्शन आपको रिक्वायर्ड होगा, ये बात तो एकदम मानी हुई रहती है। तो उम्मीद है आपको एक छोटा सा कैमरा टेस्ट, चूँकि एक एनालिसिस आप कह सकते हैं, कैमरा टेस्ट तो और भी काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, लेकिन एनालिसिस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे अच्छा खासा इसके साथ समय बिताया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आज की तारीख में एक बेहतरीन कैमरा फ़ोन हो जाता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।